मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की सुनामी में कई बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए हैं। पंजाब की लंबी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में प्रकाश सिंह बादल की हार हुई है। 94 साल के अकाली दल के नेता को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुदिया ने 9,000 मतों के अंतर से हराया। ये सीट अकाली दल की परंपरागत सीट रही है। सबसे बड़ी बात ये कि इस सीट से अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल जीतते रहे हैं। 94 साल की उम्र में भी उन्होंने चुनावी मैदान नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ आपने गुरमीत सिंह खुदिया को चुनाव मैदान में उतारा था। वहीं शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनाने का दावा करने वाले सुखबीर सिंह बादल खुद की जलालाबाद सीट भी नहीं बचा पाए। उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगजीत कम्बोज ने राजनीति का नया पाठ पढ़ाया है। सुखबीर सिंह बादल ने आपको बहुमत मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता भगवंत मान को पंजाब चुनाव में जीत पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हम तहे दिल से और पूरी विनम्रता के साथ पंजाबियों के द्वारा लिए गए जनादेश को स्वीकार करते हैं। मैं उन लाखों पंजाबियों का आभारी हूं जिन्होंने हम पर और शिरोमणि अकाली दल और BSP कार्यकर्ताओं को उनके निस्वार्थ परिश्रम के लिए भरोसा दिया। उन्होंने हमें जो भूमिका सौंपी है उसके लिए हम नम्रता के साथ उनकी सेवा करते रहेंगे। अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी पंजाब आप और उनके नेता भगवंत मान को पंजाब चुनाव में जीत की बधाई देता हूं। मैं उन्हें सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।